तो क्या हाल चाल है मेरे शहरों सब कुछ बढ़िया ना दोस्तों। आज की बोलना भी हूँ क्या करी बोल। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। मतलब मैं टेक न्यूज बताने वाला था लेकिन वो होगा नहीं अभी। तो दोस्तों वायरस नाम सुनते ही आपके दिमाग में और एक नाम इसी के साथ आ जाता होगा, वो है कोरोना। लेकिन आज हम यहाँ पे कोरोना वायरस के बारे में तो बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसी वायरस के बारे में ही, लेकिन कोई पर्टिकुलर वायरस नहीं होगा। दोस्तों बेसिकली अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है और आप मतलब वेबसाइट वगैरह विजिट करते रहते हैं तो वहां पे कई बार आपको कोई पीडीएफ फाइल हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्री फाइल हो सकता है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ जाता है। अभी आपने मजबूरी में डाउनलोड कर भी लिया और शायद से आपने उसको डिलीट करना भूल गए, मतलब आपका काम मिट गया लेकिन आपने डिलीट करना भूल गए, और उस डॉक्यूमेंट या फिर पीडीएफ के अंदर था वायरस जो कि आपके फोन को डैमेज करके आपके प्राइवेसी की उम्र सारी। अभी इस चीज से आप कैसे बच सकते हैं, यानी कि आपको समझ कैसे आएगा कि हमने जो डाउनलोड अभी अभी किया या फिर करने वाले हैं या फिर कर लिया, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, वो सिक्योर है या नहीं, सेफ है या नहीं, कहीं उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है। ये सब आपको पता चल जाएगा बस चुटकियों में। लेकिन उससे पहले आपको ये जो हम बना रहे हैं अभी आपके लिए, जो आप देख रहे हैं अभी, इस चीज को ना आखिर तक चलने देना है, तभी आपके भेजे के अंदर जो मैं बताना चाहता हूं वो घुसेगा। बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगा और मतलब एकदम फ्री में आपको पता चल जाएगा सब कुछ। और इसके बाद अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके और भी दो चार वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम पसंद आते हैं आपको, देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मतलब मेरा काम तो बताना, मैं बता चुका हूं। पांक, पांक, पांक। लगा भाई इंट्रो लगा तेरे। ओके तो दोस्तों बिल्कुल आपको घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, सीधी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको चले जाना होगा क्रोम ब्राउजर पे, जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूं, आप देख के मेरे साथ जाइए। ओके तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। वॉलपेपर को थोड़ा सा अवॉइड मारिए, वो हम थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए रखते हैं लेकिन होता नहीं है, जो भी है। तो हम सीधे चलेंगे क्रोम ब्राउजर के ऊपर, उसके बाद हम खोल लेंगे एक नया टैब। आप जितने भी पुराने वाले हैं उसको अवॉइड मारिए, बिल्कुल एक नया के साथ काम कीजिए क्योंकि हम थोड़ा खतरनाक चीजों के साथ खेलने वाले हैं, ठीक है। तो हम चले जाएंगे नए टैब के ऊपर और गूगल पे जाके ना आप सिंपली सर्च कीजिए वायरस टोटल। सबसे पहले जो वेबसाइट आएगा आपके सामने उसको मारिए क्लिक। ओके मैं एक चीज बताना भूल गया, वो आप पहले भी कर सकते हैं, आखिरी में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना होगा। बेसिकली ये इतना बड़ा झंझट वाला काम नहीं है, बस आपको यहाँ पे थ्री डॉट जो दिख रहा है उसको क्लिक कीजिए, उसके थोड़ा सा नीचे में देखिए आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, उसको बस टिक कर दीजिए, बस बाकी काम मैं देख लूंगा, ठीक है। मतलब मैं ऐसे कर दूंगा। ओके तो आपने डेस्कटॉप मोड कर लिया, वायरस टोटल वाला वेबसाइट सर्च किया और फर्स्ट वाला ऑप्शन को क्लिक भी किया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सर्च बार टाइप सा कुछ दिखाया जा रहा है और उसी के थोड़ा सा ऊपर आपको तीन ऑप्शन दिए जा रहे हैं, फाइल, यूआरएल एंड सर्च। ओके तो दोस्तों अगर आपके पास पीडीएफ वगैरह ऑलरेडी डाउनलोडेड अपने फोन पे पड़ा हुआ है या फिर अगर आप कंप्यूटर से देख रहे हैं तो कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, तो आप सिंपली फाइल में क्लिक करके चूज फाइल करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले ये दो का ऑप्शन भी आपको बता देता हूं। दोस्तों नेक्स्ट है यूआरएल। वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट, आपको अब तक समझ आ गया होगा, मुझे पता है यूआरएल का मतलब आपको समझ आ चुका होगा। दोस्तों अगर आप बस डाउनलोड करने वाले हैं लेकिन लिंक आपको मिल चुका है तो वो वाले लिंक को आपको कॉपी करके यहां पे आके पेस्ट करके आप यहां पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप अभी कुछ डाउनलोड करने के लिए सर्च करने वाले थे तो आप यहां से सर्च करके बिल्कुल एकदम चेक वेक करके उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो हम सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पीडीएफ वगैरह पड़ा हुआ है, काम का तो कुछ है नहीं, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो भी है। दोस्तों हम सिंपली फाइल पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम पीडीएफ वगैरह सर्च कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो चार कुछ पीडीएफ वगैरह हमारे सामने आ चुका है, तो हम यहाँ पे सिंपली कोई सा भी पीडीएफ आपको क्लिक करके बस दिखाना चाहता हूं मैं, तो मैं ये पहला वाला ही ले लेता हूं। तो दोस्तों ये अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, बस थोड़ा सा वेट करने के बाद ना ये पीडीएफ का पूरा कुंडली निकल के आ जाएगा, पूरा जन्म कुंडली, मृत्यु कुंडली, इसका सब कुछ निकल के आ जाएगा। मतलब समझ तो ऐसे आपको कुछ भी नहीं आएगा लेकिन अगर सब कुछ ग्रीन होता है तो बस समझ लेना कि आप एकदम सही चीज को पकड़ के लाए हैं, बिल्कुल सही चीज है, कोई वायरस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे भी रेड कलर आपको दिख जाता है तो भैया वही टाइम पे उसको डिलीट मार दो, क्योंकि पता नहीं हमको कौन सा वाला वायरस है, क्या है नहीं है, तो वायरस है तो डिलीट करना है। तो दोस्तों अभी तो आपको शायद पता चल चुका होगा कि फाइल के अंदर वायरस है या नहीं,
कैसे चेक करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक बोनस टिप्स दे रहा हूं दोस्तों। आप ना जब मतलब कोई सा भी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए जाओ वेबसाइट के ऊपर, एक चीज आप ध्यान रखना, पीछे मतलब एंड वाला पोर्शन में उसका जो नाम रहेगा उसके अंदर अगर .exe होता है या फिर उसके बाद कुछ भी रहे, .exe अगर उस नेम के अंदर कहीं पे भी रहता है तो वो वाला फाइल को ना आप अवॉइड मारिए पूरी तरीके से, क्योंकि exe वाला फाइल में सबसे ज्यादा वायरस होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों .exe वाले फाइल को आपको बिल्कुल अवॉइड मारना है क्योंकि इसके अंदर बहुत रिस्क है। अभी स्कैम 1992 वाला डायलॉग मत दे देना, बहुत चल रहा है अभी। रिस्क है तो इश्क है। अब अगर इससे इश्क कर बैठोगे तो आपकी प्राइवेसी की तो बस दोस्तों यही तक था आज का ज्ञान वाला एपिसोड। वैसे आज का क्लास आपको कैसा लगा, पढ़ाने वाला कैसा लगा, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके जा सकते हैं, फ्री है वैसे भी, और सब्सक्राइब आपके ऊपर है, मतलब मैं कोई फोर्स कभी किसी को नहीं करता। ठीक है, चलता हूं। Nothing can stop me, I'm all the way up.